मम्मी को कह रहा था अभी के यार भूख बड़ी लगी, वो पिज्जा मंगवाते हैं, मुझे आगे दे रहे थे आलू शिमला मिर्च खाते हैं खमीरी रोटी के साथ। बड़े प्यारे गाने गा रहे हो फिर आइंस्टाइन। अंडा कोफ्ते ये पाए और दही जो नाश्ते में नाश्ते की जान होती है। कुछ ऐसे कपल्स भी स्पॉट हुए हैं जो कपल्स नहीं हैं, घर के अंदर छोटा लॉन हो तो उसको स्वैग समझते हैं, स्वैग तो ये होते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के शुक्र आपका भाई भी बिल्कुल ठीक ठाक फटाफट फिट फाट। कल का व्लॉग आपने देखा होगा जिसमें हम लोगों ने बड़े मज़े का डिनर एक किया था, नहीं देखा तो अभी जाके देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, व्लॉग को एंड तक देखिएगा। अभी हुआ ये कि यार मैं उठाऊँ तो तबीयत फिर से थोड़ी ख़राब थी, स्टीम ली है, स्टीम ले के ना स्टीम लेने से यार ये इधर मेरे पता नहीं एक निशान सा पड़ गया है, बहरहाल खुद ही ठीक हो जाएगा। अभी चलते हैं बाहर, एक काम है, कैमरामैन से याद होगा आपको मैं पीछे अपने भाई की शादी की एल्बम्स लेके आया था तो उससे वीडियो लेके आया था, वीडियो में थोड़ा सा मसला आ गया था, वो वीडियो को हम लोगों ने जाके करवाना है ठीक, वो मेरा कर रहा है वेट। अभी हम सारे मिलके चलते हैं, मैं अकेला तो जाता नहीं हूँ, आपको दिखाने का मकसद ये होता है कि आप लोग भी साथ साथ मेरे आप मैं फील करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ हैं। फोटोज वगैरह लेके सारा कुछ करके मैं आ गया था फरहान के पास, और फरहान साहब आई तो मतलब के कोई वैसा सीन ही नहीं हुआ आज व्लॉग का। अरे यार कोई टेंशन नहीं, मैं तेरे साथ हूं, तो हम व्लॉग बनाएंगे। क्या क्या करें आज यार, आज क्या करना, टाइम भी काफी हो गया, मैं भी काम से गया हुआ था तो तू भी काम ही दे, अभी काम करवा के आ रहा है, ये ले गया सामान मेरा। जो व्यूअर को वो वाला व्लॉग ना दिखा दे, दिखा दे वो, दिखा दे। हम लोग ना पीछे गए थे लाहौर, बड़ा मजे का वो ब्लॉग बना था, लेकिन मैंने सोचा था कि यार चलो जब टाइम मिलेगा तब अपलोड करूंगा, वो मेरे पास शुक्र है पड़ा हुआ है। आज वो ब्लॉग यहाँ से शुरू करते हैं, उसका इंट्रो और एक्सपोज मैंने बनाया था इसलिए वो अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया था, तो चलो आज कुछ और तो करने को हुआ नहीं, आपको वो ब्लॉग दिखाता हूँ वो समझ लेके वो इंट्रो के बगैर आपके लिए ब्लॉग शुरू होने लगे। मैं आ गया हूँ घर सिर्फ आप लोगों के लिए ब्लॉग एडिट करने के लिए। सीन ये हुआ था कि कुछ अर्सा पहले की बात है कि यार इनका मुझे शाम को फ़ोन आया और ये मुझे कहते हैं कि भाई सुबह लाहौर जाना है। हम लोग मैंने इनको कहा कि यार अगर लाहौर जाना ही है तो बस में भी गए, गाड़ियों पे बाइक सारा कुछ किया हुआ है, क्यों ना इस दफ़ा ट्रेन को ट्राई किया जाए। हम लोगों ने फ़ौरन गए हैं स्टेशन जाके पता किया सुबह गाड़ी वगैरह का, और हमारी ट्रेन बहुत सुबह अर्ली जानी थी क्योंकि तकरीबन वो 5:30-6 बजे चली जानी थी, तो हमें जाहिर सी बात है कि जल्दी उठ के जाना पड़ना था, जिसकी वजह से हम लोग मैं रात को ही फरहान की तरफ चला गया था। बाकी की स्टोरी आप आगे देखें, बहुत मजा आएगा व्लॉग को एंड तक देखिएगा, तो यहाँ से आगे की स्टोरी शुरू होती है। तो जी हम पहुंच चुके हैं फरहान साहब के घर और यहाँ पे सीन्स आपको दिखाता हूँ व्हेन द टूर प्लान सडनली, तो कैसे सीन्स होते हैं। ये फरहान साहब की जगह, देसी जगह, इंग्लिश आउट देसी इन, दो चार पहिया जिनके ऊपर हम लोग सोने वाले हैं, बिल्कुल भी पता नहीं था कि एकदम से ऐसे हमें जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये सीन्स बने। और यहाँ पे फ्रांस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एंजॉय करेंगे पहले। यहाँ पे आने के बाद, आने से पहले ना मैं मम्मी को कह रहा था अभी के यार भूख बड़ी लगी, वो पिज्ज़ा मंगवाते हैं, मुझे आगे दे रहे थे आलू शिमला मिर्च खाते हैं खमीरी रोटी के साथ। मैं रोटी खानी हो तुम बाहर से कहीं से खा नहीं सकते, मैंने इधर का वेट करना था, मैंने सोचा नहीं भाई फ्रांस में क्या खाना है, पिज़्ज़ा। मेरा अपना शदीद दिल कर रहा है पिज़्ज़ा खाने का, भी नोमी आता नोमी को कहते हैं जरा पिज़्ज़ा मंगा, भूख से जान नहीं कर रही है वैसे ही, तो इधर हम रेस्ट करेंगे। बाकी सुबह हम लोगों ने निकलना है अर्ली इन द मॉर्निंग, उठ जाओगे ब्रो भाई, मैं सोने नहीं आज, सोना तो पड़ना है। हम लोग सुबह निकलेंगे बहुत अर्ली, हम लोगों ने निकलना है, इस वजह से मेरा जो है यहाँ पे मैं रात को आ गया हूँ। बाकी अब सुबह आपसे बल्कि अभी जो भी माहौल होएगा आपको दिखाता रहता हूँ। ये हमारे पास आया नीचे की खाना ही यार, नहीं यार नोमी सीरियस भाई, पिज्जा खाना है जिधर से आपको, जिधर से आपको दफा हो ना, खा फरहान उठ चलिए यार। यार मैं इसको लगा मैंने वीडियो बंद कर दी। फरहान फरहान यार चल इन छड़ के चलिए जिथे तू कमी।
नहीं यार उठ नहीं यार मैंने जाना भाई चलो हो मैं वैसे फोकर नाइफ चले तेरे पसंद भी है भाई बाहर चलो बाहर जाना मुझे बाहर ओके क्या हुआ है बिटवा क्या हुआ भाई भाई मैंने बाहर नहीं जाना इधर मुंह आ गया अभी तो तू कह रहा था मैंने तो सोना ही नहीं है रात को अब क्या हुआ है नवी साहब आप और मैं कितने कितने स्लाइस मुझे छोड़ कर जो अब क्यों उठे हो आ रही मम्मी दो तेरे तीन तीन मिले नवमी का फेवरेट फोकर नाइट इसने रात को भी सोना नहीं था अभी भी होश पड़ा है कौन सा ऑर्डर किया है अजीता एक्स्ट्रा लार्ज ना तेरा भी तू जब से कर गया रे दादा सी हो गया जिदा उंगला चोरे ताग जाना बड़े प्यारे गाने गा रहे हो फिर आनी स्टाइम और नुमान साहब इन दी लाइन लाइन में लगा हुआ है फरान ये ट्रेन चल पड़ी है हमारी ये ना ऊपर बैठे हैं यार मुसलसल डर रहा है वो ये साइड वाला क्यों डर रहा है फरान बेटा ब्रेक लगी तो ना वो सब मिल गया फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग लाहौर स्टेशन पे यहाँ पे सीन फिर कुछ ठीक है लाहौर का वेदर भी ठीक है द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेन वाज नॉट सो गुड इतना बुरा भी नहीं था इतना अच्छा भी नहीं था एवरेज था बट फिर भी मैं कहूँगा कि यार अगर लोकलाइज अगर आप टाइम भी उतना सारा कुछ उतना लेकिन अगर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आप कर सकते हो तो ट्रेन का सफ़र इतना बुरा भी नहीं था लेकिन ये था कि यार थोड़ा सा एक चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि यार जितनी आपके पास सीट्स हैं उतना करो लोग खड़े भी हैं लोग बैठे भी हैं कोई ज़मीन पे बैठा कोई ऊपर जिस तरह मर्जी करके बहरहाल तो नोमी साहब इस तरह ही है नुमान साहब को तो बीच में लटा दिया था बीच में बेहोश रहा है ऊपर एक भाई मिले थे मैं उन्होंने अपना बैग इसको दे दिया था मैंने कहा इसने लगाया और उसके बाद ये नहीं पता ये किधर गया है हम लोग निकले हैं स्टेशन से ऊबर वगैरह और ये इन ड्राइव वगैरह हम लोगों ने चेक की है उन्होंने हमारे से यहाँ से शालामार का मांगा है शालामार बाग उसके करीब हमने किसी जगह पे जाना है हमारे से करीब ऊबर वगैरह वालों ने 900-1000 रुपया मतलब ये फेयर आ रहे थे तो हमने कहा यार एक फैसिलिटी है जो सही हमारे पास ये ऊपर तो जी हम लोग पहुँचे हैं ये इनके कज़न हैं अस्सलाम वालेकुम सामा भाई ये भाई ने बड़ा तकल्लुफ़ किया शुक्रिया भाई इस चीज़ का ये वैसे खाना हमने सारा ही खा लेना है ये अंडा कोफ्ते ये पाए और दही जो नाश्ते में नाश्ते की जान होती है तो अभी नाश्ता वगैरह करते हैं बैटरियाँ फुल हो हैं शक्लों से आपको पता लग रहा है खाना शाना खा के उसके बाद हम लोगों ने एक पावर नैप लिया है एक घंटे का हम लोग एक घंटे सोए हैं उसके बाद ये भाई जो है ये 5 घंटे बाद उठे भाई तुसी नहीं 3 घंटे नहीं 3 घंटे बाबा यहां साढ़े 12 ये भाई यही के हैं ये हमारे से जरा थके हुए थे
इनको पकड़ के जबरदस्ती उठाया इनके घर के बिल्कुल पास शालामार बाग। मैं लिटरली यहाँ पे पहले कभी भी नहीं आया हुआ, यहाँ पे जाके देखते हैं अंदर क्या है। तारीफ तो काफी इसकी सुनी है। भाई ये तो इसका क्या हिसाब है, मतलब ये फाउंटेन ये फुहारे वगैरह यहाँ इसके तीन भी है, ये तीन तख्त हैं इसके। अच्छा ये हम अभी पहले तख्त पे आए हैं, आए आपको हम नीचे दिखाते हैं दूसरा तख्त। नीचे मतलब क्या भाई, मतलब जैसे ये अभी पहला तख्त है ना वो इससे डाउन है। अच्छा अच्छा ये साइड है ऊपर वाले तक से नीचे जाने के लिए, इधर से मैं आपको ले के जा रहा हूँ। जरा अब देखिए तो ये सेकंड तख्त का रास्ता था, पहले हम लोग वहाँ ऊपर खड़े हुए थे, अभी नीचे आ गए। यार क्या सीन है ये, कमाल। हम लोग दूसरे तख्त पे हैं, तो बड़ा खूबसूरत एक सीन है, मछलियाँ बार बार आ रही हैं, वो खाना खाने को डाला हुआ है, बार बार आगे खा के जा रही हैं। स्वैग तो इन लोगों के थे ना ब्रो, कैसी कैसी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, जो कई सौ सालों से भी ऐसे की ऐसी ही हैं। हमारे आजकल घर के अंदर छोटा लॉन हो तो उसको स्वैग समझते हैं, स्वैग तो ये होते हैं। सनसेट की खूबसूरती ने इस जगह की खूबसूरती को और चार चांद लगा दिए। ऐसा लगता है नीचे बिल्कुल एक शीशा रख दिया है, और ये ऊपर और नीचे। ओए होए होए, मुग़ल बादशाह लोगों ने जो अपने लिए चीज़ें डिज़ाइन कर दी हैं वो नस्ल दर नस्ल लोग देखते आ रहे हैं। कई सौ साल गुजर गए लेकिन आज भी ये चीज़ें बिल्कुल मेंटेन्ड अपनी जगह पे वैसे की वैसे ही हैं, क्योंकि ये उस दौर में इतनी मजबूती से बनी थी। मैं एक बात करना चाहता हूँ कि ट्रैवलिंग सिर्फ ये नहीं है कि लोग किसी जगह पे जाते हैं और वहाँ पे जाके बोर होने लग पड़ते हैं, वो कहते हैं यार ये कौन सी जगह है, ये क्या चीज़ है क्या नहीं। ट्रैवल होता है कि आप जिस जगह पे गए उसकी फील लेना, उसकी वाइब लेना, आपको प्रॉपर एक फील करना आना चाहिए कि आप किस जगह पर हो, फिर आपको ट्रैवलिंग का मज़ा आता है। आपको पता होता है कि यार आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो आप किस जगह पर हो, आप उधर क्या कर रहे हो और उस जगह की वाइब क्या है। इंतहाई खूबसूरत व्यू के साथ ये सेकंड तख्त तो है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। थर्ड वाले में मुझे मेरा ख्याल है कि सेकंड जितना खूबसूरत हो, थर्ड वाले पे जाने का दिल छिल नहीं कर रहा, इसलिए इसको हम लोग स्किप कर देंगे। लोग आए हुए हैं अपनी शादियों के शूट शूट कराने, क्या सीन्स हैं। कुछ ऐसे कपल्स भी स्पॉट हुए हैं जो कपल्स नहीं हैं। खुल गई है, खुशबू नहीं आ रही, खुशबू नहीं आ रही, देख खुल गई है, देख देन लगी FMBT फुल माहौल ब्रांडेड तंदूरी देख। इसका ये मतलब होता है FMBT का देख खुल गई है भाई। हाँ नमी तू तो झोली जी पवा लिया ना। तो ये था हमारा टूर। जब मैं लाहौर से वापस आया मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे अपना ये व्लॉग एंड मैं उस टाइम नहीं कर सका था। तो यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो का एंड। उम्मीद है तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिएगा, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पर भाई को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। हमारा चैलेंज कम्प्लीट होने वाला और आपका भाई एक ऐसी चीज़ करने वाला जिसको बड़ा सोच समझ के मुझे करना है। साथ रहिएगा, आपको भी लाजमी दिखाएंगे, आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। भाई को इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।